गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं इस समय क्लास 7 का हनीकॉम एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड, जिसमें चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 में मैं थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 4 में जो है फर्स्ट पार्ट है उसका आधा हो चुका है। अभी आधा पार्ट फर्स्ट पार्ट का बाकी है। तो चलिए अब हम लोग जो बचा हुआ फर्स्ट पार्ट का, फोर्थ लेसन के फर्स्ट पार्ट का जो आधा बचा हुआ हिस्सा है उसको पढ़ते हैं। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डॉग था, डॉग को ये लोग मार दिए थे और मारने के बाद उसको वहीं छोड़ दिए थे। तो जो डॉग का मालिक था, यानी जो डॉग को पीट रखा था, वो आया था इसके कब्र पर, हैं, कुछ इंसेंसेज और इसके टॉम बनाकर इसको रो रहा था, जैसे कि कोई अपने बच्चे के लिए रोता है। और रात में डॉग इनको सपने में दिखाई दिया था और कहा था कि इसके जो कब्र पर, यानी ग्रेव पर जो पाइन ट्री बना है उसको काट कर उससे मिल और मोर्टर बनाए राइस पेस्ट्री के लिए। ओके, इसके आगे से अब हम लोगों को स्टार्ट करना है। सो द ओल्ड मैन से क्लियर। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, बुक नहीं है तो बुक आप लोग सामने ओपन कर लीजिए। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। अब जैसा कि डॉग ने कहा था कि मेरे कब्र को पर जो पाइन ट्री है उसको काट लीजिए, तो इसलिए उस किसान ने क्या किया, उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, उस पाइन ट्री को काट लिया। चॉप माने काटना। ओके, ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, उसके मिडिल ट्रंक को यानी तने को काट डाला। आ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, एक एक सेक्शन करके 2 फीट लंबा सेक्शन करके, यानी टुकड़ा करके। विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत के साथ, पार्टली बाई फायर एंड फायर का प्रयोग करके करते हुए, हल्का सा पार्टली बाई चिसेल, थोड़ा सा मतलब छेनी का प्रयोग करते हुए, ही स्क्रैब्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज अ बिग एज अ स्मॉल बॉल। उसने क्या किया, उसको एक स्क्रैप माने आकार दे देने, एक बाहर से आकार दे दिया, हॉलो छिछला सा है प्लेस, जैसे कि छोटा सा बाउल होता है, ये बाउल माने कटोरा। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर, उसके बाद एक बहुत बड़ा हैंडल का हैमर बनाया। हैंडल माने हत्था, हैंडल का प्रयोग करते हुए हथौड़ा बनाया, हैमर माने हथौड़ा, ऑफ वुड लकड़ी का, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, इस तरह से बनाया कि जिससे कि इसको राइस को पाउंड करने के लिए प्रयोग किया जा सके। पाउंड माने कूचना। ओके, ऐसे मतलब जैसे खुन्नी होता है उस तरह से करने के लिए। When New Year's time drew near, जब नया साल नज़दीक आया, he wished to make some rice pastry, तो उसकी इच्छा हुई कि rice pastry बनाया जाए। When the rice was all boiled, जब पूरा rice उबल गया, granny put it into the mortar, तो granny यानी बूढ़ी औरत ने क्या किया, उसको mortar में रख दिया, यानी कटोरे में रख दिया। The old मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इंटू डव, और डव माने होता लोई, और मास माने मतलब वही जो सामान था, यानी उबाला हुआ चावल। ओके, तो क्या हुआ, उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, जब कटोरे में रख उठा था उबला हुआ चावल, तो उसको अपना हैमर उठाया, उसको उस मास को डब में बनाने के लिए, यानी मास माने द्रव्यमान या सामान हम कह सकते हैं, डब में बदलने के लिए, जिससे उसका लोई लुगदी तैयार हो जाए। ओके, टू डब एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, और ब्लोज उसको ब्लो देते रहे, फूंक देते रहे हैवी, और तेजी से उसको प्रहार करते रहे, उसको हैमर करते रहे, जब तक कि वो रेडी मतलब नहीं हो गए पेस्ट्री बनाने लायक बेकिंग के लिए। बेकिंग माने पका कर पेस्ट्री बनाने लायक तैयार नहीं हुआ, तब तक उस पर काम करते रहे। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस, तब तक जो पूरा क्या था, सडनली माने एकल, अचानक जो पूरा मतलब हीप था, हीप माने ढेर, कलेक्टिव नाउन है, कल आप लोगों को कलेक्टिव नाउन पढ़ाए थे, हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस, कॉइंस माने सिक्का, गोल्ड माने सोना, सोने के सिक्के ढेर में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, यानी
बन गए, सोने के ढेर बन गए। सोने के ढेर का मतलब जैसे सोने का सिक्का होता है, एक जगह गाज उठता, उस तरह से एकदम गाज उठा। ओके, व्हेन द ओल्ड वुमन टूक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल लिया यानी वो कूटने वाला, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और उसमें बीन्स डालकर उसको ग्राइंड करने लगी यानी पीसने लगी, ग्राइंड माने पीसना, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो गोल्ड ऐसे बरसने लगा जैसे पानी बरसता है। मीनवाइल द इनवियस नाइवर पीव्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। मीनवाइल माने इसी बीच, नाइवर माने पड़ोसी, पीव्ड माने झांकना, इसी बीच जो उनका इनवियस माने ईर्ष्यालु, ओके ईर्ष्यालु दुष्ट, इसी बीच जो उनके ईर्ष्यालु नाइवर्स थे झांक रहे थे विंडो से कि वो लोग, जब ये लोग बीन्स का जो है क्या कर रहे थे, बीन्स को ग्राउंड कर रहे थे यानी पीस रहे थे और सोना बन रहा था। गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग हैग माने होता है बुढ़िया, ओके तथा उस बुढ़ी है या चुड़ैल भी हम कह सकते हैं, खराब खराब से मतलब है खराब औरत, तो तब तक उसने चला गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग, एज ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जब उसने ये देखा है कि जो है जितने भी सॉस थे हैं वो चू रहा ऊपर से वो येलो गोल्ड में परिवर्तित हो जा रहा है, अंटिल इन अ फ्यू मिनट, तब तक एक ही मिनट में द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, तब तक क्या हुआ एक ही मिनट में क्या हुआ, जो पूरा टब था वो जो है शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, टब माने बर्तन तस्तरी, वो क्या हुआ चमकते हुए सोने के मास में परिवर्तित हो गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस तरह से जो ओल्ड कपल था फिर से धनी बन गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विग्ड नाइवर केम एंड बारोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल, अगले दिन क्या हुआ जो दुष्ट मतलब नाइवर थे वो आए और उधार, बारो माने उधार लेना, बारो ले गए मोर्टर और मिल को, दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, उन्होंने एक में जो है बॉइल्ड राइस भर दे, एक में जो है बीन्स भर दिया। ओके, द देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, उसके बाद जो ओल्ड मैन था दुष्ट वाला ओल्ड मैन उसको पाउंड करने लगा यानी कूटने लगा, जो बूढ़ी औरत थी उसको क्या करने लगी ग्राइंड करने लगी यानी पीसने लगी, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे उन्होंने पहला ब्लो किया वो किस में टर्न हुआ, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू अ फाउल मास ऑफ बॉम्ब्स, खराब मास माने सामान ढेर, सामान यानी द्रव्य पदार्थ, बॉम्ब्स माने कीड़े मकोड़े, एक तो क्या हुआ गंदे कीड़े मकोड़ों में तब तक जो है उनका जो पेस्ट्री और सॉस क्या हुआ चेंज हो गया यानी बदबू करने लगा। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पे और भी गुस्सा होकर, देख चॉक्ड द मिल इनटू पीसेज टू यूज एज फायरवुड, उन्होंने क्या किया उसको कई टुकड़ों में बांट दिया फायरवुड, और उसका प्रयोग जो है फायरवुड यानी जलाने वाली लकड़ी के रूप में करने लगे। क्या किया उन्होंने, मिल और मोटर को फाड़ डाला, काट डाला और उसको जो है जलाने वाली लकड़ी के रूप में बना दिया, उसका प्रयोग करने लगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है, मैंने पार्ट फर्स्ट आप लोगों को तीन वीडियो बनाकर दिखाया है, दो पहले और एक ये तीन हो जा रहा है, तो पार्ट फर्स्ट के तीन वीडियो हैं लेसन फोर्थ के, तो अगले पार्ट में अगले वीडियो में मैं पार्ट लेसन फोर्थ का पार्ट सेकंड स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।